हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास दो फोन है, मे भी आपने नया फोन लिया हो, जब पुराना फोन मैं यूज करता था, आप चाहते हो कि इस फोन का जो कि पूरा के पूरा मेरा डाटा है वो इस नया फोन में एकदम ऑटोमेटिकली हुबहू आ जाए। फोन हम जो यूज करते हैं इसमें बहुत सारा हमारा डाटा रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन रहता है, फोटोज, वीडियोज, कॉल रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी कुछ हम इस फोन में इस्तेमाल करते हैं, इस फोन का जो इंटरफेस है, इस फोन का जो लॉक्स है, सब कुछ एकदम हुबहू इस फोन के अंदर आ जाए। तब किस तरीके से सेट कर पाओगे, कैसे प्रोसेस करना है, चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं। आप लोगों को मालूम है मैंने नया फोन लिया था, जिस फोन का कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो। तो जब मैंने ये फोन नया लिया था, उस नया फोन लेने के दिन में ही जब मैं उसको सेटअप कर रहा था, उसी समय मेरे को एक नोटिफिकेशन दिखाया था कि आपका जो फोन का ये जो पुराना फोन है, पुराना फोन से सभी डाटा जो है इस नया फोन में किसे लेके आए। फोन के अंदर ही मुझे गाइड करने का ऑप्शन दिखाया, तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करता हूँ कि अगर आप चाहते हो इस वाला पुराना फोन का जो डाटा है पूरा का पूरा एज इट इज, ये वाला नया फोन के अंदर किस तरीके से लेके आओ। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं। बाकी यार दो तीन बात आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हो सकता है 3, 4, 5, 6 एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन जो है मैंने देखा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन मेरा इस वाला फोन से, ये वाला जो नया फोन है इसके अंदर नहीं आया। बहुत सारे चीज़ जो है, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स है, व्हाट्सएप में जो हमारा कॉल, जो हम वॉइस रिकॉर्ड भेजते हैं, वो सब कुछ चीज़, बहुत सारे चीज़ जो है मैंने भी यहाँ पे देखा है कि जो पुराना फ़ोन से नया फ़ोन में आया नहीं है। मैंने जब शुरू किया था, मेरे टाइम पे आधा घंटे के ऊपर लग गया था, क्योंकि मुझे नया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं रहा था, नया था, आधा घंटे के ऊपर लग गया था। बट आप इस भी देखोगे इस वीडियो को, और उसके बाद आराम से प्रोसेस कर पाओगे। इस प्रोसेस के दौरान आपको ना तो कोई वाईफाई हॉटस्पॉट चालू करना है, ना तो आपको नेट का जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। दो ऑप्शन से कर सकते हो, विदाउट वायर यानी वायरलेस लिया कर सकते हो, और विथ वायर। तो विथ वायर किस तरीके से है, तो अगर आपका नया फोन में और पुराना फोन में दोनों भी यूएसबी टाइप सी चार्जिंग ऑप्शन है, तो आप यूएसबी टाइप सी टू यूएसबी टाइप सी केबल ले लो, तो दोनों फोन को कनेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली कर सकते हो वायर, बाई वायर। तो अगर आप बाई वायर करोगे थोड़ा सा आपको जल्दी से जल्दी हो जाता है, वायरलेसली करोगे थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। अगर आपका फोन ये वाला यूएसबी टाइप सी है और ये वाला जो है यूएसबी टाइप नॉर्मल है, मतलब इससे पहले जो आता था, जो पुराना फोन में आता था, वो वाला नॉर्मल है, वीआई चार्जर है, तो ऐसे में आपको एक डाटा केबल ऐसा लेना पड़ेगा यूएसबी टाइप सी, और यहाँ से यूएसबी टाइप जो नॉर्मल है उसमें से और एक छोटा सा अडैप्टर आता है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। वो आप मामूली दुकान में जाओगे तो 100 रुपये के अंदर आ जाएगा, ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट में भी आप खरीद सकते हो। डाटा केबल के जरिए से भी काम कर सकते हो, और विदाउट डाटा केबल वायरलेसली भी ये काम कर सकते हो। मैंने वीडियो के अंदर दिखाया पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरीके से करना है। मैंने देखा है ये वाला जो पुराना फोन का जो डाटा था मेरा, ये वाला नया फोन के अंदर एकदम से एकदम 100% कॉपी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जो है 90% कॉपी हुआ है, 10% डाटा जो है मुझे छूट गया था। फिर से मुझे इस फोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना या फिर दूसरा कुछ जो भी लेना है, मैंने जो है वो ब्लूटूथ के जरिए से या फिर शेयर कॉल के जरिए से बाद में लिया, जब ये फोन को मैंने पूरा का पूरा सेटअप कर लिया। स्किप करते हैं ट्रांसफर डाटा, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो मेरा पास ये वाला फोन है ना, मेरा जो पुराना फोन है, ये वाला फोन को यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो है मेरे पास इसका डाटा केबल नहीं है, जो डाटा केबल यहाँ पे हम अटैच करें, ट्रांसफर डाटा फॉर्म योर ओल्ड फोन विदाउट मोबाइल डाटा, ठीक है, मोबाइल डाटा का कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसफर नो के ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट टू ओल्ड फोन, यहाँ पे ओल्ड फोन को कनेक्ट करने का दिखा रहा है, यूज़ योर ओल्ड फोन टू कनेक्ट, यूज़ फोन क्लोनर ऑन योर ओल्ड फोन टू कनेक्ट, इफ़ इट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड प्लीज़ गेट इट हेयर। तो यार गलती से भी ये वाला जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में सर्च मत करना, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं है। तो बेहतर है ये है कि आपका जो नया फ़ोन में जो एप्लीकेशन का लिंक दे रहा है, वो वाला एप्लीकेशन आपका पुराना फ़ोन में ब्लूटूथ के जरिए से ये जो है आप ले लो, नहीं तो ये वाला जो एप्लीकेशन अगर आप गूगल प्ले स्टोर से लेने जाओगे, ये वाला हुआई का एप्लीकेशन है फ़ोन क्लोन, बट ये जो एप्लीकेशन है मेरा इन्फिनिक्स फ़ोन के साथ कंपेटेबल नहीं हुआ। बहुत सारे टाइम मैंने यहाँ पे वेस्ट किया, ये नहीं हुआ, ठीक है, तो ये गलती मत करना। अगर आपका पुराना फ़ोन में ये वाला एप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो गेट इट हेयर करें, और यहाँ पे देखो फ़ोन क्लोनर जो एप्लीकेशन है एपीके, वो यहाँ पे है, आप जो है ब्लूटूथ के जरिए से यहाँ पे आप पुराना फ़ोन में ले सकते हो। तो यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर लो, इस फोन में ब्लूटूथ ऑन कर लो, और दोनों को पेयर कर लो, उसके बाद इसका जो फाइल है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आ रहा है ब्लूटूथ शेयर रिसीविंग फ़ोन क्लोनर .apk, इसको हम बाद में ओपन करेंगे। ओके, तो ये तो फाइल आ चुका है हमारा फ़ोन में, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हो तो वो हो चुका है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओपन करते हैं वाला जो एप्लीकेशन है एपीके, यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ पे ये वाला क्लोज है, तो फ़ोन क्लोनर एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे अलाउ फ्रॉम द सोर्स, और यहाँ पे इसको ओके करेंगे, रेडमी फ़ोन है, आई एम अवेयर, ओके। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ चुका है फ़ोन क्लोनर, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, येस इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, अलाउ अलाउ,
सब कुछ यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों फोन में फोन क्लोनर एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आ चुका है। कनेक्ट टू न्यू फोन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो ओल्ड फोन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टू प्रिवेंट डाटा कंजम्पशन प्लीज टर्न ऑफ मोबाइल डाटा, ठीक है। तो मोबाइल डाटा यहाँ पे ऑफ करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑफ कर दूंगा, कैंसिल करेंगे। उसके बाद कनेक्ट टू न्यू फोन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, कनेक्ट टू न्यू फोन टू मेक श्योर ट्रांसफर डाटा इज कम्प्लीट अलाउ द ऐप टू रीड SMS, गो टू सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये ऑन है, यहाँ पे ऑन है, बैक में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोन में मेरा एक ही सेम पोजीशन में है, सर्चिंग पर हॉटस्पॉट दिखा रहा है। तो यहाँ पे बैक में जाते हैं और यहाँ पे न्यू फोन के ऊपर क्लिक करते हैं, स्मार्टफोन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी जो है डायरेक्ट ये सब ये है और यहाँ पे है सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट विथ योर ओल्ड फोन, और यहाँ पे स्कैन टू कनेक्ट करके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्चिंग फॉर हॉटस्पॉट दिखा रहा है। तो ये वाला हॉटस्पॉट ओके, तो ये हमारा कनेक्शन था ये, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ वंस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बैक चला जाता हूँ मैं, ये कनेक्टिंग दिखा रहा है यहाँ फोन में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल, प्लीज सिलेक्ट द डाटा टू बी ट्रांसफर ऑन योर ओल्ड फोन। तो ये मेरा पुराना फोन है, यहाँ पे दिखा रहा है कि लोडिंग सब कुछ लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है कि न्यू फोन कैन रिसीव 223.94 GB ऑफ डाटा, क्योंकि मेरा इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो है, ये जो है 256 GB रैम वाला फोन है। तो यार इस पोजीशन में आके मेरा ओल्ड फोन में ये जो फोन क्लोनर एप्लीकेशन है बहुत सारे टाइम क्रैश हो चुका था। तो आप इस पोजीशन में आपको हार नहीं मानना है, 2-3 बार 4 बार कंटिन्यूस काम करते रहना है। तो इस पोजीशन में आप देखोगे सेम टाइम पे आपका हो सकता है 3-4 बार ये जो एप्लीकेशन है क्रैश हो जाए, फिर भी काम करो आपका ये ऑटोमेटिकली फिर से डाटा लोडिंग हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्टेड डाटा है 2.24 GB और एस्टिमेटेड टाइम है अबाउट 7 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका ऑल के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ, ऑल के मतलब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स, कॉल डाटा, व्हाट्सएप, ऑडियो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, वीडियोस है और गैलरी है, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। फिर सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रिसीव होना शुरू हो चुका है, वाओ ट्रांसफरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ सेम कुछ दिख रहा है। तो कॉन्टैक्ट्स, कॉल डाटा, व्हाट्सएप सब कुछ एज इट इज़ गाइस, ये मेरा नया फ़ोन में आ जाने वाला है। चलिए इसको थोड़ा हम टाइम देते हैं, जब तक ये होता है तब तक हम थोड़ा इस वीडियो को पॉज करते हैं और देखते हैं कितना टाइम के बाद ये हो जाता है। 1 बज रहा है और देखते हैं पूरा ये फुल होने तक कितना टाइम लगता है ये। तो यार अभी भी ये टाइम दिखा रहा है 21 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब 21 मिनट्स चाहिए इसका पूरा का डाटा यहाँ पे नया फ़ोन में आने के लिए। 7 मिनट हो चुका है अभी तक, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 13 मिनट बाकी है, तो चलो वेट कर लेते हैं। तो यार इस फोन का जो कॉन्टैक्ट्स है, कॉल डाटा है, व्हाट्सएप है, ये सब कुछ इस फोन में आ चुका है। तो यार 17 मिनट्स हो चुका है, फिर भी गाइस यहाँ पे 1.69 GB का डाटा ट्रांसफ़र हुआ है और अभी भी ये 5 मिनट बाकी दिखा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया शायद, कॉन्टैक्ट्स हो गया, कॉल डाटा हो गया, व्हाट्सएप हो गया दिखता है। तो यार वीडियोस, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स एंड ऐप बाकी है, मतलब 4 मिनट का ही काम है, 4 मिनट में ये हो जाएगा पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफ़र। तो यार गाइस यहाँ पे देखो टाइम हो चुका है 1:24, मतलब यार 25 मिनट्स लगा हुआ है ये। यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसफर कंप्लीटेड, 2.24 GB का डाटा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे और टाइम लगा है 25 मिनट्स 13 सेकेंड, यहाँ पे आपको दिखा दिया है। 1 बजे शुरू किया था, 1:20 टाइम है और यहाँ पे देखो 25 मिनट्स 13 सेकेंड लगा है। तो यहाँ पे हम फिनिश कर सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट क्लीन अप द डाटा इन केस द मिसिंग डाटा कैन नॉट बी रिट्रीव। और यहाँ पे देखो ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे देखो टोटल टाइम लगा है 25 मिनट्स 42 सेकेंड। तो यहाँ पे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं, पुराना फ़ोन में जाऊँगा और यहाँ पे मेरा नया फ़ोन में जाऊँगा, ठीक है। तो वॉलपेपर में लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं आया है। देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस वगैरह मेरा पास जो था ना, तो अंकल डिलीवरी यहाँ पे आ चुका है, योनो SBI आ चुका है, यूट्यूब आ चुका है, जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन आ चुका है, फ्रेश टू होम। तो यार थोड़ा बहुत एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आया, जैसे कि टेलीग्राम है, ट्विटर है, ये सभी एप्लीकेशन, बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे जो मेरा फ़ोन में है, ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आया, बट जो भी कुछ आया है बहुत कुछ आ चुका है, वो एप्लीकेशन भी आ चुका है। तो फाइल मैनेजर चेक करते हैं, तो यार लगभग मेरा फ़ोन में जो भी कुछ गैलरी वगैरह था वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ये काला नोट एप्लीकेशन आ चुका है जहाँ पे मैं मेरा सब कुछ नोट्स लिखता हूँ। तो गाइस यही था पुराना फ़ोन का डाटा आप किस तरीके से नया फ़ोन में ट्रांसफर करें। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, उस तरीके से वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए। मैं मिलूंगा इसी तरीके से एक नया टॉपिक से नया वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग, थैंक यू, बाय बाय।